और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वी कंक्लूडेड कि ऑल फर्म्स वर्किंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वुड बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट एज वेल एज एलोकेटिवली एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन. इसको मैं ज़रा समझा देता हूँ, क्योंकि पहले तो बात करते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी की, वो समझना रिलेटिवली ईजियर है इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था, उसके मैं वापस नहीं जा रहा, कि बस मैं फाइनली चीज़ें लिख देता हूँ कि एलोकेटिव एफिशिएंसी तब होगी जब डिमांड सप्लाई इक्वल होंगे. डिमांड जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, सप्लाई जो है मार्जिनल कॉस्ट के. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. तो पी इज इक्वल टू एम सी जो है वो हमारी बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने यूनिट्स बनाएंगे तो हम एलोकेटिवली एफिशिएंट होंगे, कितने यूनिट बनाएंगे तो कि हम मार्केट फोर्सेस के थ्रू एलोकेट कर दूंगे रिसोर्सेज को. और मार्केट फोर्सेज के थ्रू एलोकेशन जो है वो हम एएस में भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ एलोकेशन गिवन आवर अजम्पशंस. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आर क्वांटिटी ओरिजिन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्राइस है वही डिमांड की इक्वल है और मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल है और एवरेज रेवेन्यू के भी इक्वल है. और ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई, यहाँ से हमें मिलता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट जो कि एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है. तो हमें ये तो पता है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर पे ही हम प्रोड्यूस करेंगे, विच इज क्यू नॉट. इन दिस केस क्यू नॉट यूनिट्स बनेंगे ताकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट हो. और ऑब्वियसली हमारा जो मेन एम है जो कि हम अज्यूम करते हैं कि हर फर्म का, वो यही है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जिंदा है और वो यही काम करते रहेंगे. क्यू नॉट यूनिट बनेंगे. असल में जो फर्म है परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म जो है वो सिर्फ ये देख रही है कि एम सी और एम आर कहाँ इक्वल हो रहा है. लेकिन क्योंकि उस फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो सप्लाई कर्व है, क्योंकि जो उसका एम आर कर्व है वो एक्चुअल में उसका डिमांड कर्व है. तो जहाँ एम सी और एम आर इक्वल हो रहे हैं वहाँ पर डिमांड सप्लाई भी अपने आप में इक्वल हो रहा है, और सिमिलरली प्राइस इक्वल हो रहा है इस वक्त मार्जिनल कॉस्ट के. तो ये क्यू नॉट जो है ये एलोकेटिवली एफिशिएंट है. ये जो एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटपुट है, तो ये फर्म जो है वो हमेशा एलोकेटिवली एफिशिएंट रहेगी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो हमेशा एम सी इक्वल टू एम आर पे बनाएगी और एम सी हमेशा सप्लाई के इक्वल है, एम आर हमेशा डिमांड के इक्वल है, तो वो हमेशा वहाँ बनाएगी जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल है. तो एलोकेटिवली एफिशिएंट तो सारी फर्म्स हैं, इवन इन द शॉर्ट रन इवन इन द लॉन्ग रन वर्किंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है प्लीज पूछ लें, ओके है तो ओके लिख के भेज लें. ठीक है ठीक, ओके. दूसरी चीज फिर हमने बोला, अभी एलोकेटिव एफिशिएंसी को कंपेयर कर लेते हैं, प्रोडक्टिव को दूसरी चीज में करेंगे. तो जब हम बात कर रहे हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी की, तो हमने बोला भाई कि ये परफेक्ट कंपटीशन था, परफेक्ट कंपटीशन. ठीक, तो वी कंक्लूडेड कि ऑल फर्म्स आर एलोकेटिवली एफिशिएंट. ठीक, ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, अब इम्परफेक्ट हमें पता है कि यार ये चाहे मोनोपोली हो या ओलिगोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो, ये तीनों परफेक्ट तो नहीं है. तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में चलो कह देते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इन तीनों के ग्राफ भी सिमिलर है, सिर्फ इलास्टिसिटी का फर्क है. तो ये हमें पता है कि फॉर ऑल फर्म्स वर्किंग अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे विल बी फेसिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो कि हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगा. मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ऐसे आएगा.
सॉरी यार, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे बताएंगे आवाज़ आ रही है फिर से? क्लियर कर देगा कि आवाज़ क्लियर है? रीज, हानिया, मुझे बताएगा आवाज़ वापस आ रही है सही? मुनाहिल, समीर, निशा, ठीक है, थैंक यू। सॉरी यार, इंटरनेट का मसला हो गया था वापस से। और खैर, ओके, वी आर डिस्कसिंग एलोकेटिवली एफिशिएंट एलोकेटिव एफिशिएंसी। हम यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ पे ये भी एमसीडी और डेमार बनाएंगे, क्यू नॉट यूनिट्स बनाएंगे, क्योंकि क्यू नॉट यहाँ पे आएगा, ये हम सबको आता है। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या? क्या ये, मुझे बताएं, क्या ये फर्म जो है क्योंकि वर्क कर रही है अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या ये एलोकेटिवली एफिशिएंट है या नहीं? यस और नो? इज दिस फर्म एलोकेटिवली एफिशिएंट? अन्य क्या हो गया? मनाइल ठीक कह रही हैं आप, बाकी लोग? समीर, शहरयार, फर्म्स वर्किंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, आर दे एलोकेटिवली एफिशिएंट, यस और नो? नो, दे नेवर आर, कभी भी नहीं होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमेशा एम सी इज इक्वल टू एम आर पे बनाएंगे, और एम आर जो है वो डिमांड कर्व नहीं है। एम आर डिमांड कर्व नहीं है, बनाना कहाँ था? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई पे। अगर आपको एलोकेटिवली एफिशिएंट होना था वो यहाँ होता, क्योंकि ये तो सप्लाई है, डिमांड सप्लाई। ये मिला हमें क्यू वन, क्यू वन बनते हैं, या इसको क्यू ए कर दें, तो क्यू ए होता है एलोकेटिवली एफिशिएंट। तो आप एलोकेटिवली इनएफिशिएंट हैं। क्या लॉन्ग रन में ये आप एलोकेटिवली एफिशिएंट हो जाएंगे या नहीं होंगे? क्या आप हमेशा एलोकेटिवली इनएफिशिएंट रहेंगे, या ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है फॉर इम्परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स कि वो एलोकेटिवली एफिशिएंट हो जाएं? कैन दे बी एलोकेटिवली एफिशिएंट एट एनी पॉइंट इन टाइम, एनी किसी भी वजह से? नो, कभी भी नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। इम्परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स कैन नेवर बी एलोकेटिवली एफिशिएंट। और इस वजह से यहाँ होता क्या, इस डायग्राम में जो क्लास थी मुझे ऐड करनी थी वो ये है, ये सेल करेंगे क्यू नॉट पे, प्राइस ऑफ पी नॉट ना, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ये ट्राइंगल जो है, जिसको अगर मैं ग्रीन कर दूं, दरअसल कोई ग्रे कर दें, चले, ये एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं द डेड वेट लॉस। ये लॉस है सोसाइटी को लॉस है। क्यों लॉस है भाई? क्योंकि सोसाइटी कुड हैव एंजॉयड मोर यूनिट्स एट अ लोअर प्राइस, प्राइस कम हो सकती थी। तो ये एरिया जो सोसाइटी को फायदा हो सकता था, डिमांड सप्लाई का जो गैप है, ये पूरा जो है वो क्या है, डेड वेट लॉस, जो हमने शेड किया ग्रे से। ये लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज द फर्म इज एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। ऐसा कोई लॉस जो है वो परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में नहीं होगा।
ठीक हो गया, एलोकेटिव एफिशिएंसी में सिर्फ यही है, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक पूछ ले, क्लियर तो ओके लिख के भेज दे। सर ये लॉग को एक बार डिफाइन कर दें। ये डेडवेट लॉस बेसिकली क्यों है यहाँ पे, बिकॉज यू कुड हैव एंजॉयड मोर यूनिट्स, सही है ना, और वो जो डिमांड सप्लाई का गैप है ना, डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड है बेसिकली, ये सप्लाई है, तो ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है, ये गैप आपको मिलता रहता, ये चीज़ें, ये गैप मिलता, ये गैप मिलता, ये बेनिफिट था सोसाइटी को जो कि मिलना चाहिए था अगर आप ज़्यादा यूनिट्स बनाते, आप एलोकेटिवली एफिशिएंट होते। बेसिकली ना इस डायग्राम को अगर आप देखें उस तरीके से जो अपने एएस में देखा था, अगर मैं इसको एएस वाली डायग्राम से कंपेयर करूँ, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि ये डिमांड है आपकी, ये सप्लाई है, डिमांड सप्लाई जहाँ इक्वल होती हैं क्यू नॉट पे, वो यूनिट्स बनने चाहिए। आपने क्या किया, आप कह रहे नहीं, अच्छा इसे क्यू ए कर लेंगे, एलोकेटिवली एफिशिएंट है, आपने कहा क्यू नॉट बनेंगे, प्राइस यहाँ से आई पी नॉट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है इस प्राइस से बेचने से। तो ये जो एरिया है, ये एरिया सोसाइटी के नुकसान है, क्योंकि एलोकेटिवली एफिशिएंट होते सोसाइटी को फ़ायदा होता, कंज्यूमर सोवरेनिटी का ख्याल होता, तो ये एरिया जो है, ये एरिया सारा जो है, ये डेडवेट लॉस है, यहाँ पे भी ये एरिया हमने शो किया इन दोनों डायग्राम में। क्लियर है ये चीज़, तो ओके लेके भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ओके ठीक, ये सीन है। अच्छा इसमें ये जो डेडवेट लॉस है इस वक्त, तो ये मतलब जब भी अगर आप बोलेंगे कौन सी फर्म बेहतर है फॉर फॉर द सोसाइटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बोलेंगे कि परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, क्योंकि उसमें कोई डेडवेट लॉस नहीं होता, प्राइसेस कम होती हैं, क्वांटिटी ज़्यादा सेल होती है, यहाँ पे डेडवेट लॉस होता है, द प्राइस कम होनी चाहिए थी, क्वांटिटी ज़्यादा सेल होनी चाहिए थी, ज़्यादा क्वांटिटी सेल होती है, डेलवर्ड प्राइस ठीक है, तो एलिगेटिव इनफिशेंसी का नुकसान है, एलिगेटिव एफिशिएंसी में सिर्फ यही है, हम इसको कल क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली हमें जो करना है वो है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, इस टॉपिक को वाइंड अप भी करेंगे आज इंशाल्लाह। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है वो भी हमें पता है क्या होती है, और अभी के डायरेक्ट ये तब होगी जब एवरेज कॉस्ट को इस वक्त कंपेयर कर लेते हैं परफेक्ट फर्म को और इम्परफेक्ट फर्म को। ये हमने लिखा हुआ भी सारा, मैं सिर्फ उसको रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप जो हैं एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आपकी और आप Q नॉट यूनिट्स बना रहे हैं, वो तो आपको Q नॉट टू एम सी और AC, MR से आ गया, तो आप इस वक्त प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ मैं। Q नॉट यूनिट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ गई आपकी या कम हो गई, इस वक्त आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, राइट, हमने ये लिखा था जब भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होंगे, क्योंकि इस वक्त एम सी और ए सी इक्वल हो रहे होंगे। अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, फॉर एग्जांपल एवरेज कॉस्ट कम हो गई, ए सी वन हो गई, तो आप बनाएंगे तो क्यू नॉट ही यूनिट्स, क्योंकि एम सी और एम आर वहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो गई है, तो अब एलोकेटिव एफिशिएंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होने के लिए आपको क्यू पी यूनिट बनाने चाहिए थे जहाँ एम सी और ए सी इक्वल है, लेकिन आप क्यू नॉट ही बनाएंगे, तो
हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्म वर्किंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन वुड बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो इस वक्त प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है वो अगर एसी वन है, लेकिन अगर एसी नॉट हो जाए तो वो प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हो जाएगी. ठीक है ना, या क्यू नॉट, अगर एवरेज कॉस्ट एसी वन पे है तो फिर आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हैं, लेकिन एसी टू पे जहां आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि कॉस्ट इतनी आ रही है, तो उस वक्त जो है वो आप क्या नाम है प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हो जाएंगे. कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं आता तो मुझसे पूछ लें. फाइनली मुझे बताएं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितनी फर्म्स हैं लॉन्ग रन में क्या वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होंगी या नहीं, यस और नो? ऑल फर्म्स वर्किंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल दे बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन और नॉट? यस सर. यस, व्हाई यस सर? क्योंकि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं. बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं. ये सब आपने लिखा हुआ है, कल जो लोग आए थे उन्होंने लिखा हुआ है. और उसके अलावा दूसरी चीज, लास्ट चीज जो है वो क्या है? अच्छा, ये इससे कनेक्टिंग हमें एक दो चीजें और पढ़नी है आज, जिसपे हम टॉपिक को वाइंड अप करेंगे. तो ये हमें पता है कि एक इम्परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है जो कि MC इक्वल टू MRP ही प्रोड्यूस करेगी, मतलब क्यू नॉट यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी. क्यू नॉट यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो क्वांटिटी, ओरिजिन और प्राइस, ये रेवेन्यू कॉस्ट लिखते हैं यहाँ पे. प्राइस इसकी यहाँ से आएगी, पी नॉट. ठीक, तो अच्छा अभी हमें ये नहीं पता कि प्रॉफिट कमा रही है लॉस कमा रही है. अच्छा, ये हमने क्लास में करके देखा भी था, इसको हम वापस देख भी लेते हैं. चाहे ये प्रॉफिट कमाए सुपर नॉर्मल या ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, ये प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं होगी कभी. क्यों, इसको डायग्राम में देख लेते हैं. अगर ये फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स कमा रही है, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे है, इसको एवरेज कॉस्ट यहाँ है, इस वक्त प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, आपको दिख रहा है, क्या प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है? इज दिस फर्म प्रोडक्टिवली एफिशिएंट? नो. व्हाई नॉट? बिकॉज उसके लिए आपको यहां बनाना चाहिए था जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, क्यूपी. क्यूपी पे बनाते तो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होते, लेकिन आप नहीं बनाएंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो भी जाए यहाँ पे, उसके लिए नई डायग्राम कर लेते हैं इसमें ताकि मसला ज्यादा ना हो. अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो भी जाए तो भी आप प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट ही रहेंगे. उसका रीज़न क्या है वो हम देख लेते हैं. वो अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम याद है जो कि हमने पढ़ी थी जब हमने शुरू किए थे ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स इस इम्परफेक्ट, तो यहाँ से क्वांटिटी आ रही है, ये प्राइस है. नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि जो आपकी प्राइस आ रही है वही आपकी एवरेज कॉस्ट है. तो हमने डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाई थी कि आप इसको सिर्फ टेंजेंट करें, मिनिमम तो यहाँ पे आएगा, फिर ये एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसे बनेगी. ये सिर्फ टेंजेंट होकर टच करते हुए जाएगी, मतलब मिनिमम जो है थोड़ा आगे ही आएगा. तो ये आप अगर बनाते क्यू पी तो आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होते. तो इवन इफ यू आर मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और इवन इकोनॉमिक लॉसेस, फर्म्स वर्किंग अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल ऑलवेज बी प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट. और प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी ना एक तरीके से गाली भी है. क्यों गाली है भाई? क्योंकि आप एक फर्म को ये बोल कि यू कुड बी बेटर, यू कैन रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट, यू कैन, बट यू आर डेलिबरेटली प्रोड्यूसिंग एट हायर कॉस्ट. मतलब जैसे कि हमने बहुत बार बात की है पाकिस्तान रेलवेज की कि आप प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट क्यों है भाई, जबकि आपका तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम ही नहीं है, आप तो सोशल सर्विस के लिए आए. तो मसला ये है कि
आप सोचें, जनरली आप देखें तो फर्म्स चाहते हैं कि वो कंपेरेटिव हो. वो कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कम करें, वो कहीं जहाँ भी लूज छोड़ा हुआ चीज़ों को उनको उनको बेहतर करें, अपनी क्या नाम है जितने भी वेस्टेज जो है ख़त्म करें, रिसोर्सेज जो हैं वो बेस्ट बेहतर यूटिलाइज हो. यही सारी कहानी ना, हर फर्म चाहती है ऐसा हो. वो इसके लिए पूरे पूरे डिपार्टमेंट बनाए होते हैं उन्होंने, और वो इनका काम सब ये होता है कि आप देखिए यार हम कहाँ कहाँ जो है फैट लॉस कर सकते हैं, कहाँ पर ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि ज़ाया हो रही हैं. तो तब भी वो जानबूझ के प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस. क्यों? अगर वो फॉर एग्जांपल क्यूपी यूनिट्स बनाते तो उनकी एवरेज कॉस्ट यहां आती सी नॉट पे, या सिमिलरली यहां पे क्यूपी यूनिट्स बनाते तो एवरेज कॉस्ट आती यहां पे सीपी कर लें इसको, ठीक है, सीपी यहाँ भी कर लेता कि वो याद रहे. प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कॉस्ट आती, द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एट विच यू कुड हैव प्रोड्यूस्ड. तो लेकिन यू डिसाइडेड अगेंस्ट इट, यू डिसाइडेड नॉट टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट. व्हाई? प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट. एक सेकेंड, ओके मुझे बताएं productively inefficient जो है वो आप क्यों हैं यहाँ पे? जब आप चाहते हैं, जब आप चाहें तो आप आउटपुट बढ़ा के एवरेज कॉस्ट और कम कर सकते हैं. एवरेज कॉस्ट कम करना कॉस्ट मिनिमाइजेशन नॉर्मली गोल होता है ना, तो यहाँ पे वाई आर यू नॉट रिड्यूसिंग एवरेज कॉस्ट? वाई आर यू नॉट प्रोड्यूसिंग मोर? वाई आर यू नॉट अचीविंग द इकोनॉमीज यू कुड हैव अचीव्ड इन द लॉन्ग रन? आप जानबूझ के नहीं अचीव करना चाह रहे, क्यों नहीं? क्या जवाब इसका? वाई आर यू डिलिबरेटली इनएफिशिएंट? बिल्कुल ठीक, बेहतरीन मनाहिल, बिल्कुल ठीक. कोई और कुछ बोल रहे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी जो है क्यू नॉट पे, आपको एवरेज कॉस्ट से कर दिया, आपको पता है कि इस यूनिट्स पे जितनी मुझे मैक्सिमम जितना प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल है. इसके अलावा मैं कोई भी यूनिट बनाऊंगा तो मुझे उससे बेहतर प्रॉफिट नहीं हो सकता. तो अब आप जानबूझ के इनएफिशिएंट रहेंगे, आप जानबूझ के इनएफिशिएंट रहेंगे और आप बोझ बनेंगे सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि इनएफिशिएंसी बोझ है हमारे लिहाज से ना, इकोनॉमिक्स के लिहाज से. इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होगा इस चीज़ का. और वो हमें दिख भी रहा है किस तरीके से होगा, कि यहाँ पे आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते थे, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते थे. अगर हर कोई इनएफिशिएंट जानबूझ के हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है पूरा. तो रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहेंगी, सिमिलरली उनका बेहतर यूज़ नहीं होगा. और इसको कहते हैं, इसको हमने शायद पहले पढ़ा भी था, this is in economics this is called x inefficiency. x inefficiency kya hai? When a firm has potential to produce to produce at a lower cost when the firm has the potential. Potential का मतलब क्या होता है, हम डिस्कस किया था. Potential का मतलब क्या होता है? Produce at a lower cost, but it decides deliberately to produce at a higher cost. तो वो एक्स इनएफिशिएंसी डेलिबरेट तरह की इनएफिशिएंसी है. अच्छा, मुझे पोटेंशियल का मतलब वापस से बताएगा क्या होता है? हमने डिस्कस किया मोस्ट प्रॉब्ली है. क्या होता है भाई पोटेंशियल? क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि वी आर लूजिंग आउट ऑन पोटेंशियल कस्टमर्स, क्या मतलब है इसका?
वो चीज जो कर सकते हैं लेकिन करें ना। जी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली बोलते हैं बहुत पोटेंशियल है आप में, बिल्कुल। यार असल में पोटेंशियल जनरली मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द फ्यूचर। अगर मैं पोटेंशियल कस्टमर की बात कर रहा हूँ तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे करंट कस्टमर नहीं है, ये फ्यूचर में मेरे कस्टमर बन सकते हैं, इसको मैं फ्यूचर में कैपिटलाइज कर सकता हूँ। पोटेंशियल है आप में टू प्रोड्यूस एट ए लोअर कॉस्ट, मतलब अभी तो आप नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं इफ यू ट्राई, ठीक है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं दरअसल। तो यू हैड द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट बट यू डिसाइडेड अगेंस्ट इट, यू डिसाइडेड डेलिबरेटली टू प्रोड्यूस एट अ हायर कॉस्ट, तो यू आर इनएफिशिएंट बाय चॉइस। ये हो गया हमारा प्रोडक्टिवली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। वन लास्ट थिंग जो कि हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे, वो एक टर्म आपके सिलेबस में ऐड हुआ, वो है डायनेमिक एफिशिएंसी। इसमें कोई बेसिकली वो नहीं है, क्या नाम है, ग्राफ वगैरह नहीं है बस सच को खास, ये बस बेसिकली ये बोल रहे हैं। यहाँ ना हम डिस्कस कर रहे थे ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, कि मतलब अ फर्म विच इज डायनेमिकली डायनेमिकली एफिशिएंट विल बी रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस। मतलब कि वो चाहेंगे कि उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ओवर टाइम कम होती रहे, जिसको आप कुछ हद तक उससे रिलेट कर सकते हैं द काइजन मॉडल, जो आपने शायद बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। काइजन याद है क्या होता है, काइजन का मतलब? कांस्टेंट क्या कहते हैं, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, वेस्टेज कट होता हो, मैं मुस्लिम हाँ कुछ हद तक वेस्टेज कट। बेसिकली काइजन का जो मतलब है, जो आई थिंक जापानीज टर्म है ये, कि वहां पे एफिशिएंसी जितनी भी आपको ज्यादा देखेगी वो चाइना जापान में काफी दिखेगी, वो उन्होंने पढ़ाई है लोगों को एफिशिएंसी होती है। काइजन मॉडल बेसिकली इसका मतलब होता है कि दिस इज कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट मॉडल। आपने बोला कि मैंने एक चीज चेंज कर ली अपनी जिंदगी में, अब मैं बेहतर इंसान बन गया हूँ, बन गई हूँ, और अब मैं बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ विद एनी रिस्पेक्ट, तो वहाँ रुक नहीं जाएं। आप रोज रोज अपना एनालिसिस करें, रोज देखें कहाँ कहाँ अपने आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। तो डायनेमिक एफिशिएंसी, डायनेमिक का मतलब क्या होता है वैसे के लिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय डायनेमिक? आई थिंक साइंस वाले, नहीं साइंस का तो कोई है नहीं सॉरी, लेकिन डायनेमिक स्टैटिक थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने, आई थिंक वो लेवल्स में भी। क्या होता है कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट, डायनेमिक क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक जनरली? कहते हैं कि हम लोग के डायनेमिक पर्सनैलिटी है किसी की, क्या मतलब है? डायनेमिक जनरली लिटरल मीनिंग क्या है इसकी? आई थिंक ये बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए ना, हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और अगर हम उसका बेसिक ही ना समझे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। डायनेमिक मतलब चेंजेस आ रहे हो या एक्टिविटी, मतलब एग्जैक्टली वैरायटी हो, ये चीज ना जो जो चीज रिस्पेक्ट टू चेंज है समथिंग, उसको हम डायनेमिक कहेंगे। पर्सनालिटी अगर हम बोला किसी डायनेमिक तो वो चेंज होती रहती है, और लेकिन जनरली एक अच्छे सेंस में यूज होता है पर्सनालिटी के लिए खासतौर पर। एफिशिएंसी हम डायनेमिक के मतलब कि हम चेंज किए जा रहे हैं चीजों को, वी आर डायनेमिकली एफिशिएंट, वी आर नॉट स्टैटिकली एफिशिएंट। स्टैटिक मतलब रुका हुआ ना, कि आपने एक बार फैसला कर लिया, चीज़ें चेंज कर ली, अब स्टैटिकली इसी प्रोसेस के थ्रू आप जिंदगी भर काम करें, जैसे कि जनरली होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, दुनिया भर में ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हद तक जनरली स्टैटिक होती है, कि एक प्रोसेस है जो कि फॉलो करना है। डायनेमिक चीज़ें थोड़ी कम होती हैं ब्यूरोक्रेटिक एनवायरमेंट्स के अंदर, आपने बिजनेस स्टडीज में बेहतर पढ़ी होंगी ये चीज़ें। जनरली हम ये कह रहे हैं कि एफिशिएंसी भी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, यू शुड कंटिन्यूसली एंड डायनेमिक डायनेमिकली कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन थिंकिंग कि कहाँ कहाँ हम मोर एफिशिएंट हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
आप जितनी भी मल्टीनेशनल फर्म्स को देखेंगे उनका R&D पे बड़ा खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि शायद ये फजूल खर्चा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो आपको फ़ायदा देती है बहुत टाइम बाद, शुरू में नहीं देती। इकोनॉमिक्स में R&D को संक कॉस्ट भी कहते हैं, संक कॉस्ट, ये वर्ड भी शायद आपने बिजनेस में देखा। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि इररिकवरेबल कॉस्ट है, इररिकवरेबल कॉस्ट। अकाउंटिंग में भी शायद ये है कहीं पे, जो एक बार खर्चा हो गया आप उसे भूल जाए, सही है, उसका जो रिटर्न है वो फौरन नहीं आएगा। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करते रहे, आप सोचते रहे यार कि हाउ कैन वी मोटिवेट आवर एम्प्लॉइज मोर, विच प्रोसेसेस विल इम्प्रूव द ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट, विल इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉई। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही, आप मशीन्स के ऊपर सोच सकते हैं, आप अपने जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको बेहतर कर सकते हैं, वो सब कुछ R&D से आएगा ना। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर इस वक्त एग्जाम्पल इफ प्रोडक्टिवली एफिशिएंट टुडे, या फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि 50 साल पहले अगर जो मर्सिडीज थी वो प्रोडक्ट काम करती रहती 50 साल तक आज तक, तो वो प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हो जाती, बिकॉज देर आर सो मेनी न्यूअर वेज टू प्रोड्यूस बेटर एट अ लोअर कॉस्ट विद लोअर विद लेस रिसोर्सेस। तो बोलना हम ये चाह रहे हैं कि इन रियलिटी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार अचीव हो गई जो हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है, काइज़न मॉडल अप्लाई करना है, R&D पे खर्चा करते रहना है, नई चीज़ें सीखनी है, और ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से हो कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन 2020, तो आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ 2020 ये है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 2030 की इससे कम हो। और वो कम तभी होगी जब आपने कोई नया प्रोसेस अपनाया जो कि बेहतर तरीका है, मैनेजमेंट को ऐसी सीख ली कि जिससे आप एम्प्लॉयज से बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कुछ आपने मशीन ऐसी लगा ली जो कि आउटपुट को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, सब ऐसी चीज़ें, ये सब इस पर रिसर्च होती क्यों है जो आप बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं इसीलिए, और आगे भी पढ़ेंगे अगर, तो इसी कि यार जो काम ऑलरेडी हो रहा है किसी एक तरीके से उसको और कैसे बेहतर कर सकते, हाउ हाउ टू बी मोर एफिशिएंट। दुनिया भर का रोल ना, और सारा अब तो खैर हमें, अगर आप जो कैपिटलिस्ट हमारा सोच है वो यही है कि हम सिर्फ ये पूछते हैं कि हाउ मच आर यू प्रोड्यूसिंग, मतलब प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्टिविटी का, इसको हम रिविजिट करेंगे मैक्रो में, जब हम बोलेंगे यार कि हाउ डू वी एक्चुअली सी के या कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, मतलब लोग क्या प्रोडक्टिव होंगे तो ही बहुत अच्छे रहेंगे, तो ही बहुत खुश रहेंगे, तो ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा, या इज देर समथिंग एल्स अदर देन प्रोडक्टिविटी टू बी कंसिडर्ड। एंड यस देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि अब दुनिया मान चुकी है काफ़ी हद तक। पहले पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने शायद डिस्कस किया था, सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी हिस्ट्री, लेकिन थोड़ी सी हमें पता हो, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी हो रहा है दुनिया भर में, इकोनॉमिक ग्रोथ, आउटपुट, सब सिर्फ यही सही चीज़ें हैं ना, और डायनेमिक हो जाएं आप और चीज़ें बेहतर करते रहें, काइज़न अप्लाई करें, लेकिन उसके बाद से जो आपके मेंटल हेल्थ के मसले हैं वो भी बड़े शूट कर गए, और वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद ये मसला यही है जो हम पहले नहीं समझ पाए थे। खैर इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में इंशाल्लाह इन मैक्रो। आपका जो पूरा चैप्टर था, पूरा टॉपिक था मार्केट स्ट्रक्चर्स का विद एफिशिएंसी, हम खत्म कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्विज है आपका आई थिंक मंडे को, मार्केट स्ट्रक्चर्स MCQs, उसके बाद हम आंसर्स पे भी जाएंगे। आंसर्स आपको लिखने में थोड़े मसले हैं तो वो हम और डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। मैं कोशिश करूँगा कोई सैम्पल आंसर भी दे दूँ एक दो, ताकि आपको एक्चुअली समझ में आ जाए कि हम क्या चाह रहे हैं आपसे। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लें, वरना हम क्लास खत्म कर रहे हैं। ओके लिख के भेज दें ताकि हम क्लास खत्म कर दें। मार्केट से चीज खत्म हो गया जी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। विद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में नॉर्मली अलग टॉपिक समझा जाता है, लेकिन हमने इसी में करके साइड कर दिया उसको, मार्केट से स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई भी कर दिया इसको, ठीक हो गया। ओके अल्लाह।